कर्म गौ माता की सेवा को, हाँ सबसे बड़ा पुण्य काम है रीना। हरिओम 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 बाबा। रीना भाई, रीना भाई कल्याण, रीना भाई कल्याण। बम्बई विवेक गौतम, कोई और जड़ ले सकते हैं क्या? क्योंकि हर जगह का नहीं यार, देखो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ वहीं पे ही लानी पड़ती है, बाकी नहीं। हेमंत भिलवाड़, गुरु जी बाबा कीनाराम जी के बारे में बताए, कल टीवी में आ रहा था वहाँ। अरे बाबा कीनाराम जी बनारस के अंदर अघोरी महाराज थे। बाबा कीनाराम जी अघोर पंथ के वो संस्थापक थे, बहुत अच्छे अघोर पंथ में उसने नाम कमाया था, जो आज बनारस के अंदर अघोरी कीनाराम जी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर केवल शमशान की राख ही दी जाती है बनारस में, और अघोरी कीनाराम जी के भोग के रूप में केवल चावल और मच्छी का ही भोग लगता है। जो दूर दराज से कीनाराम जी के दर्शन करने जाते हैं बनारस में, तो वहाँ पर चावल और मच्छी का भोग बनाकर अवश्य उनको चढ़ाया जाता है। अघोरी कीनाराम जी अघोर पंथ के मेन संस्थापक थे। अघोरी कीनाराम जी, मैं बताऊँ मैं आपको एक बात, ये अघोरी कीनाराम जी कौन है, कहाँ से आए हैं वो बताता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। विवेक गौतम, हरिओम हरिओम लंगेश्वर जी महाराज। विजय ठाकरे, आधे साधे हरिओम आसन को सिद्ध कैसे करे गुरु जी? हाँ, पहले मैं कीनाराम जी के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आसन को सिद्ध कैसे करने के बारे में। नीना बट मच्छी तो नहीं चलनी चाहिए ना बाबाओं को? अरे भैया रीना भाई, चावल मच्छी का ही भोग लगता है घोरियों को सबसे। ये एक पूजा है, एक सर्वप्रथम से ये प्रथा चली आ रही है घोरी कीनाराम जी के वहाँ पर, केवल चावल मच्छी का ही भोग लगता है और लोग खुश होकर उनको चढ़ाते हैं। एक समय की बात है, नीलांचल पहाड़ी पर गुरु गोरखनाथ जी और भगवान दत्तात्रेय का आकाश मार्ग के द्वारा चिलम का आवागमन होता रहता था। नीलांचल पर्वत जो कामाख्या माँ में नीलांचल पहाड़ी है कामरू देश में, ऊपर गोरखनाथ जी बैठते थे और नीचे गोरखनाथ जी बैठते थे और ऊपर भगवान दत्तात्रेय बैठते थे। दोनों का आकाश मार्ग के द्वारा चिलम का आवागमन होता था। एक समय की बात है, जब भगवान दत्तात्रेय ने चिलम पी करके गोरखनाथ जी को आकाश मार्ग के द्वारा गोरखनाथ जी को नीचे गुफा के अंदर पहुंचाई, जब गुफा के अंदर चिलम नहीं गया, चिलम बीच में ही अटक गया था, तब गोरखनाथ जी ने दत्तात्रेय को आवाज़ दिया कि हे दत्तात्रेय भगवान, जब आप चिलम पी करके आपने पी लिया है तो मेरे पास क्यों नहीं आई? ये दोनों का, भगवान दत्तात्रेय का और गुरु गोरखनाथ जी का चिलम का आवागमन चलता ही रहता था। तो चिलम बीच में अटक गई भगवान दत्तात्रेय के वहाँ से निकलने के बाद में, तो फिर गोरखनाथ जी ने बोला कि हे भगवान, आपने चिलम पी करके मेरे पास में क्यों नहीं लाए? तो दत्तात्रेय बोले कि हे गोरखनाथ, चिलम मैंने भेज दिया है लेकिन कहाँ पता गया कोई पता नहीं है। जब भगवान दत्तात्रेय ने ध्यान लगाकर ध्यान में देखा तो चिलम बीच में अटकी हुई थी, कोई दूसरा उस चिलम को पी रहा था। तो फिर भगवान दत्तात्रेय ने ध्यान में लगाकर फिर जब वो उसको दिखा कोई दूसरा आदमी चिलम को पकड़े हुए, तब भगवान दत्तात्रेय ने बोला कि सुन गोरख, क्या दत्त गोरख की अद्भुत माया, बीच में ओगड़ आय समाया। भगवान दत्तात्रेय ने गोरखनाथ जी को क्या बोले कि सुन गोरख, दत्त गोरख की अद्भुत माया, बीच में ओगड़ आय समाया। यानी जब भगवान दत्तात्रेय